पर गुरु नानक पातशाह का ये कहना था कि सिद्धू ने सबसे ज्यादा जो सवाल किए वो एक ओंकार पर किए। कितना जरूरी होगा वो एक ओंकार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी सोच हमारे कर्म बनाती है, हमारे विचार हमारे कर्म बनाते हैं, इसलिए सोच बड़ी होना बहुत जरूरी है। एक होता है ब्रॉड माइंडेड, एक होता है नैरो माइंडेड। संकुचित हुई सोच, छोटी सोच, ये जो कट्टर लोग होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी जिसे कहते हैं, ये अपनी नैरो माइंडेडनेस की वजह से ये ऐसे बनते हैं। छोटी सोच कि ऐसा ही होना चाहिए, और ब्रॉड माइंडेड जैसा उसकी मर्जी वैसा होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच से कितना फर्क पड़ता है, छोटा सा पहलू लेके दास आगे बढ़ेगा सतनाम की तरफ। जब भाई बालाजी ने गुरु अंगद देव जी से भेंट की थी, तो भाई बालाजी ने गुरु अंगद देव जी से सवाल किया था, पहला सवाल कि मैंने सारा जीवन गुरु नानक पातशाह की सेवा में बिताया, सारा जीवन उनके साथ रहा, उनकी सेवा की, आपने केवल कुछ साल बिताए पर गुरुगद्दी उन्होंने आपको दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी सेवा मैंने की है उतनी आपने नहीं की, पर गुरुगद्दी उन्होंने आपको दी। मन में एक सवाल सा है, संशय है बस मेरे मन में। भाई बालाजी कहते हैं मुझे दुख नहीं है इस बात का कि गुरु नानक जो करते हैं मैं जानता हूँ वो सही करते हैं, पर मुझे ये संशय मन में रह गया कि सेवा मैंने बहुत ज्यादा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इस बात का जवाब है कि जैसी सोच वैसा फल, सतगुरु नु जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक कहने लगे, भाई बालाजी आपने गुरु नानक की सेवा की, सारा जीवन उनके साथ रहे, क्या विचार कर सेवा की कि गुरु नानक कौन है? मन में क्या सोच होती थी आपके, सोच क्या थी गुरु नानक पातशाह के प्रति कि वो क्या है, कौन है? तब भाई बालाजी कहने लगे, मेरे मन में ये सोच थी कि भाई गुरु नानक पातशाह ब्रह्म ज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़े संत हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। तब गुरु अंगद देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, जैसे आपने सोचा उन्होंने वैसा ही आपको बना दिया, आज आप ब्रह्म ज्ञानी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण संत हो आप। भाई बालाजी आपकी अवस्था संतों वाली है, ब्रह्म ज्ञान की आपको प्राप्ति हो चुकी है। तो भाई बालाजी ने हैरान होकर पूछा, तो आपने क्या सोचकर सेवा की गुरु नानक पातशाह की कि वो कौन है? तब गुरु अंगद देव जी ने मुस्कुरा के कहा, हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए विनम्रता से, हमने यही सोचा कि ये खुद निरंकार धरती पर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सृष्टि के मालिक हैं गुरु नानक पातशाह। वो घटना याद कर लिया करो, गुरु नानक पातशाह के हाथ में एक उस जमाने का जो एक सबसे छोटा पैसा होता है वो था टका कह लो या एक पैसा कह लो। मुट्ठी बंद कर रहे हैं, मुट्ठी खोल रहे हैं, मुट्ठी बंद कर रहे हैं, मुट्ठी खोल रहे हैं, और सबसे पूछ रहे जो पास बैठे हैं अपने बच्चों से, क्या है मेरे हाथ में? कहने लगे, एक टका है। गुरु नानक पातशाह ने फिर से हाथ खोला, फिर से हाथ बंद कर लिया, क्या है मेरे हाथ में? जब बार बार पूछने लगे, कहने लगे, बार बार पूछने से बदल थोड़ा जाएगा, टका टका ही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु अंगद देव जी महाराज को पूछा, तू बता मेरे हाथ में क्या है? भाई लैणा जी से। तो भाई लैणा जी कहने लगे, हे गुरु नानक, कौन हिसाब लगा सकता है कि तेरे हाथ में क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ही क्या इस सृष्टि में, कौन बता सकता है तेरे हाथ में क्या है? तेरे एक एक रोम में ब्रह्मांडों की शक्तियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सोच थी गुरु अंगद देव जी महाराज की गुरु नानक देव जी के प्रति, और गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी महाराज को वही बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी ने सर झुका दिया, मैंने संत समझकर सेवा की, मुझे संत बना दिया। आपने सृष्टि का मालिक समझकर सेवा की, आपको सृष्टि का मालिक बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।